कहता हूँ खान साहब, आपसे हमने कहा कि आप हमारे साथ आए, हमारे साथ मिलें और हम पहले लेजिस्लेशन करें और उस लेजिस्लेशन को लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, वो भी ना तजुर्बेकार सांसदान है, उनको नहीं पता, ना वो कभी जी गए ना मानी, वो भी ना तजुर्बेकार सांसदान है, उनको नहीं पता, ना वो कभी जी गए ना कभी उन्हें FIR में किसी का अपना बयान लिखा है, ना उनको पता है कि जस्टिस यहाँ किस तरह चलते हैं और जज यहाँ कैसे जस्टिस चलाते हैं, इसलिए वो नहीं आ सके, नहीं समझ सके। मैं समझता हूँ कि उनने अपनी शोहरत, अपनी सियासत चमकाने के लिए एक ड्रामा किया जिससे मियाँ साहब को फायदा हुआ और ये सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा कहती है कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत का नुकसान हुआ है, जमहूरियत को नुकसान हुआ है, जस्टिस को नुकसान हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अवाम को धोखा दिया गया है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है और अवाम के साथ ये बहुत सख्त मजाक किया जाए। वंस अगेन इस जजमेंट को हम पूरा पढ़ेंगे, मेरे वकला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कंप्लीट इस पे तसरा करेंगे और आप दोस्तों को इन्फॉर्म करेंगे। फिर जो हमारे सामने बात आई है उस पे हमारा ये तजिया है। वजह यह है कि दो जजों ने, सीनियर जजों ने नवाज शरीफ को ना अहल करार दिया है, सादिक और अमीन ना होने के बायस ना अहल करार दिया। बाकी तीन जजों ने इस पे इस राय की तर्दीद नहीं की, उन्होंने सिर्फ कहा है कि GIT के पास जाए मामला और ये फैसला मौखर कर दिया, उन्होंने इस राय की तर्दीद नहीं की। तो दो जजों की राय जो है वो असल में हकीकत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय की जा सकती है, हालांकि तीन जजेस ने कौम को मायूस किया है, लेकिन वो राय समझी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए ये सदर साहब ने फरमाया कि दो जजों का फैसला दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए टेक्निकल बात है, इसलिए मैं इसको अर्ज करना जरूरी समझता था। बाकी शरीफ खानदान पे हम पहले ही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की रिवायत 1993 से लेकर आज तक ये है कि उन पे नरम हाथ रखा जाता है। 1993 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की असेंबली को बरतरफ किया जाता है, सदर इसहाक खान करता है, तो इल्ज़ाम करप्शन के इल्ज़ाम थे, तो सुप्रीम कोर्ट 6 हफ्ते के अंदर उसको बहाल करता है असेंबली को, ये कह के करप्शन का इल्ज़ाम 58(2)(b) के लिए मौजूद नहीं है असेंबली को बर्खास्त करने के लिए। 1996 में 3 साल बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असेंबली और हुकूमत बर्खास्त होती है करप्शन के मुबैना इल्ज़ाम पर,
और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कहती है कि करप्शन के इल्जाम पर असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है। असगर खान के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई अमल दरामद नहीं होता, कोई इम्प्लीमेंटेशन बेंच नहीं बनता, जबकि एनआरओ केस में फॉरन इम्प्लीमेंटेशन बेंच बन जाता है। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट पे मुस्लिम लीग नवाज हमला करती है, फिजिकली हमला करती है, कोर्ट रूम नंबर वन पे वो हल्ला बोल देते हैं, 500-600 उनके वर्कर और मिनिस्टर्स और उनके सीनियर लीडरशिप, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस को कुर्सियां पीछे गिरा के और पिछले दरवाजे से भागना पड़ता है। आज फैसला आता है, उस फैसले के खिलाफ अपील होती है, अपील में वहां सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो टेप्स चलती है, ऑडियो टेप्स पे सैफुर्रहमान बता रहा होता है एक जज साहब से, सीनियर जज से, कि आपने फैसला कल जरूर कर देना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चाहता है कल फैसला किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। और जज साहब कहते हैं जी मैं बिल्कुल करूंगा, कल तक मौका दे दे मियां साहब को। और चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से भी की भी टेप्स चलती है, वजीरे कानून नवाज शरीफ की उनकी टेप चलती है, उन टेप्स पर वो जो फैसला है हाई कोर्ट का उसको कल अदम करार दे दिया जाता है। जजेस, तीन जजेस फारिग होते हैं, जो हाई कोर्ट के और जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के वो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में आ गया होते हैं, तीन जज फारिग होते हैं उन टेप पर। मियां नवाज शरीफ जिनके जिनके बिहाफ पर, जिनके लिए वो सारी गुफ्तगू और वो सारे पेशकशें की जा रही होती हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगाता, उन पे कोई उंगली नहीं उठाता, कोई जज उनकी तरफ अपने जजेस को से इस्तीफा ले लेते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। तो इसलिए हम ये समझते हैं बदकिस्मती के साथ ये रवायत कुछ जारी रखी गई है, और इसकी चूंकि हमें तवक्को पहले से थी, हम पहले से कह रहे थे, बार बार मैंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रवायत है शरीफ खानदान पे नरम हाथ रखने की, आज जैसे सदर साहब ने कहा वो फिर साबित हो गया। एक चीज मैं अर्ज कर दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप ये भी जरा तकाबुल करें कि यूसुफ रजा गिलानी के केस में यूसुफ रजा पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं था, चार्ज ये था कि 248 आर्टिकल के होते हुए भी वो पाकिस्तान के सदर को एक गैर मुल्की मैजिस्ट्रेट के सामने सरनगुन क्यों नहीं करते और उनको नायल करार दे दिया गया, हालांकि आईन मुकम्मल तहफुज देता था सदर को, और वजीर आजम के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो खत लिखें। सो ये भी एक बात नैयर साहब ने याद कराई है मुझे और अहम बात है इस तकाबुल के लिए। राठौर साहब जी, मेरा नाम ताहिर राठौर, 24 न्यूज से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात और एक कौमी जमात अपने पूरे एक पास्ट पर्सपेक्टिव में हम उसको देखते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब क्यों जरूरत पेश आई कि इमरान खान अगर इनके साथ मिलता तो पनामा केसेस के हवाले से पीपल्स पार्टी मूव करती, एक बात। दूसरी बात, जैसा कि रेफरेंस दिया है एतजाज अहसन साहब ने, मैं समझता हूँ क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता हुकूमत को जाता है जिन्होंने 52B का खात्मा किया और उसको शायद अब गुंजाइश नहीं छोड़ी किसी सदर को। तो आप ये बताइए पीपल्स पार्टी को क्यों जरूरत महसूस हुई तहरीक इंसाफ की? जवाब दीजिए। मुझे जरूरत नहीं पेश आई उनकी, उनने खुद ये स्टेप लिया। तहरीक इंसाफ का तो जैसे फरमाया तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत थे हमारे पार्लियामान के दोनों लीडर्स ऑफ द अपोजिशन और जो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उन्होंने मिलके सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया था, हमने टीओआर मिलके बनाए थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एक्सपीरियंस बताता है, हमारा आज तजर्बा सामने आ गया जो बातें हम कर रहे थे कि जब तक हम वो कानून पास न करा लें
अदालत के लिए भी है, हदूदो कयूद तय न करा दे उस वक्त तक ये अदालत मियां नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं कर पाएगी। ये हमारा तजर्बा था, हमारा एक्सपीरियंस था जो आज सामने आ गया। जी साहब, ये जो डिसीजन आया चाहे सही आया गलत आया, लेकिन इससे एक बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एज हासिल हुआ है। अब आप बताएं कि आप इनका मुकाबला करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का कोई ग्रुप बनाएंगे, इत्तेहाद बनाएंगे? अच्छा, मैं पहली बात तो आपसे एग्री नहीं करता कि इनको एज हासिल हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये जाहिर हो गया है, पूरे पाकिस्तान को पता पड़ गया है कि मियां साहब की वो शक्ल नहीं है जो मियां साहब आज तक देते रहे हैं कि शरीफ हूँ। आज दुनिया को पता है, किसी लस्सी वाले के पास चले जाएं, किसी मज वाले के पास चले जाएं, किसी दुकान वाले के पास चले जाएं, तो आपको कहेगा कि ये गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब हिम्मत अभी क्या होगी, हुकूमत पर वो किस तरह से दबाव बढ़ाएंगे, आगे कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे? अदालतों से तो आपको कभी इंसाफ मिला कभी ना मिला, लेकिन नवाज शरीफ को हमेशा उनकी मर्जी का इंसाफ मिला। अब आपकी आइंदा की राय हिम्मत अभी क्या होगी, क्या अब फिर आप इमरान खान को साथ लेकर चलना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी अपोजिशन का इत्तेहाद जो है ये जमातों से कोई कट करके, जरदारी साहब तो इस मामले में सभी कुवतों को साथ लेके गवर्नमेंट में भी साथ लेके चले और अपोजिशन को भी साथ लेके चलने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने माजी में भी और अब भी हमारी कोशिश रही है, लेकिन ये डिपेंड करता है आने वाले दिनों में कि हालात क्या डेवलप होते हैं और अपोजिशन की बाकी जमातें किस तरह। भुट्टो साहब, भुट्टा साहब जी, बाबा साहब शुक्रिया इजाजत देने का। हमने तो कहा, हमने डिमांड की है। हम पहले तो देखेंगे कि दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस उनका क्या लाए अलम है, और हम देखेंगे कि अवाम का की क्या सोच है, और अवाम की सोच को लेके हम आगे चलेंगे। भाई साहब, नहायत एहतराम के साथ आपने बात की कि खुदा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नरम गोशा रहा है, 93 की एग्जांपल दी है नवाज शरीफ के लिए, लेकिन एहतराम के साथ ये नरम गोशा तो आपके दिल में भी बहुत है उनके लिए। चार सालों से हम देखते आ रहे हैं, बहुत मौकों पर आप लोगों ने उनको मजबूत किया जमहूरियत के नाम पे, जहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब 27 दिसंबर तक उनके खिलाफ गो नवाज गो की तहरीक चलाने का ऐलान करते रहे, फिर एकदम ठंडे पड़ गए। तो अब भी क्या इसमें कोई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अलहदा से कोई खुफिया डिप्लोमेसी के तहत कोई मुबारकबाद का पैगाम भी ना पहुँचा दिया हो, और अभी भी सारा घोसला ही हो? पहले भी कभी हमने मुबारकबाद का प्रोग्राम उनको नहीं पहुँचाया था। हम समझ रहे थे कि अगर पाकिस्तान नवाज शरीफ के हाथ में सेफ नहीं है तो इमरान खान के हाथ में भी सेफ नहीं रहेगा। मैंने पहले भी कहा है, मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी अगर 25-50 हज़ार आदमी ले कर रास्ते पे आ जाए तो क्या मैं उसको हुकूमत का तराजू दे दूं? ऐसा नहीं होता। पब्लिक में भी था कि जब से पनामा लीक्स का इशू आया तो पीटीआई एग्रेसिव जा रही थी एमएलएन के खिलाफ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी का कैंप कराया, पीटीआई को लेके आई, तो ये तासुर एक आम हो गया था कि पीपल्स पार्टी शायद बचाना चाह रही है मियां नवाज शरीफ को। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बचा लिया है तो आप क्यों, आप डिसअपॉइंट किस बात पे हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से या नवाज शरीफ के बचने से? मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ इमरान खान के हमें छोड़ के वहाँ जाने से, इसलिए मेरी नज़र में तो इमरान ने बचा लिया है। सुप्रीम कोर्ट में अगर इमरान नहीं जाता, चूँकि हमें पता था कि यहाँ कोई फैसला नहीं मिलना, तो हम इमरान के पास वहाँ जाते सुप्रीम कोर्ट में, कोई लाअमल बना के सब मिल के साथ जाते तो एक दूसरा इफेक्ट होता। अगर एहतजाज एहसन वहाँ खड़े होके आर्ग्यूमेंट करते तो कोई और बात होती। अब मैं उनके फाजल वकील के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मगर उनके कोई रिपोर्टेड केसेस मुझे आप दिखा दें तो फिर मैं मानूं। पहले कानून साजी कर लें और उसके बाद ताकि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ काम कर सके,
लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं कानून साजी की बजाय हम वो सुप्रीम कोर्ट में, यही हमारा बड़ा पुराना बहुत है। अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बकार सदी को कर बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा कि आपने ऐलान किया था कि आप और चेयरमैन साहब दोनों कौमी असम्बली में आएंगे और फिर आपने इसको मशरूत किया था पानामा के इस फैसले से। अब आप बताएं कि आपकी क्या पोजीशन है, कि आप आएंगे या नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाल्लाह हम आएंगे ज़मीनी इलेक्शन में। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो डिसीजन है पानामा पे सुप्रीम कोर्ट का है, आप समझते हैं ये मैनिपुलेटेड था, और क्या बिहाइंड द कर्टन जो है वो नून लीग की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया? देखिए ये तो मैं कह नहीं सकता, मैं डिसीजन को कंडेम कर सकता हूँ, मैं जजों की पर्सनालिटी की बात नहीं कर सकता, ना मैं चमक की बात कर सकता हूँ, मैं डिसीजन को कंडेम जरूर कर सकता हूँ। कौन सी टीवी से? मुझे पूछना ये था कि कौम को भी आप लीड करते हैं, सबसे बड़ी कौमी जमात भी आप हैं, आप कह रहे हैं कि हम दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करेंगे, तो क्या वक्त जो आईनी मुद्दत है उससे पहले इंतखाबात कराने की तरफ पीपल्स पार्टी जा रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो हर फैसला करेगी जो कौम के मफाद में है। कौम के मफाद में ये है कि किसी भी तरीके से मियां साहब को ये बाबर करा दिया जाए कि आप फेल हो चुके हैं, आपसे हुकूमत नहीं चल रही, और आप खुदा के वास्ते किसी और को मौका दें कि वो आके इस पाकिस्तान को लीड करे। आपने जिस नारे पे आप आए थे कि मैं 3 महीने में अगर बिजली नहीं लाया तो मेरा नाम बदल देना, फिर 6 महीने में नहीं लाया, और आप कह रहे हैं कि इस 5 साल के बाद मुझे वोट दो कि 5 साल के बाद बिजली ले आऊँगा। मेरा सवाल सदर साहब आपसे भी है और इकतदार हसन साहब से भी है। इस मुल्क में एक तहरीक चली आज़ाद अदलिया की, और ये तसव्वुर सामने आया कि शरा दस्तूर पर जो अदलिया है वो आज़ाद हो चुकी है। आज के फैसले के बाद आपका और इकतदार हसन साहब की क्या राय है, क्या अदलिया वाकई आज़ाद हुई है या आज भी नजरिया जरूरत के एतजाज हसन जवाब देंगे? देखें, जो अक्सरियती फैसला है ये नज़रियाए ज़रूरत की इसमें से बास आती है, और इससे यकीनन पाकिस्तान के वकला जो सड़कों पे निकले थे, जो आज़ाद अदलिया के लिए, इन जज साहिबान के लिए जिन्होंने सर हथेली पे रखा था, पुलिस के डंडे, लाठियां, गोलियां, टीयर गैस, और 2 साल तसलसल से मूवमेंट चलवैरी चलाई थी, वो आज सब बहुत मायूस हुए होंगे। बात यह है कि जो लॉयर्स मूवमेंट थी उसके जो मकासद थे वो ब्रॉड सोशल मकासद थे, जिनमें रियासत को माँ जैसा बनाना था, और हमारे ख्याल में इसकी व्हीकल और इसका इंस्ट्रूमेंट जुडिशरी होगी। जुडिशरी ने पहले भी एक पूरे दौर में मूवमेंट के बाद, बहाली के बाद, और आज भी खासा मायूस किया है। आपने ये कहा कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसकी मजम्मत करते हैं, तो क्या मजम्मत करते हैं या आप इसको तस्लीम करते हैं? और अगर मजम्मत करते हो इस पे एहतजाज बढ़ेगा, और इमरान खान को जो आपने ऑफर दी थी पहले कि हमारे साथ एहतजाज करें, क्या उस इत्तेहाद की तरफ आप जा सकते हैं सर? सर ये तो सब ऑप्शन हमेशा ओपन रहते हैं। हम तो मौलाना फजल रहमान से भी एक तवक्को करते हैं कि वो उनको छोड़ के हमारे तरफ आ जाएंगे, हम उन सब दोस्तों को बुलाते हैं। थैंक यू सर। तो
سابق صدر آصف علی زرداری نے مطالبہ کر دیا ہے وزیراعظم میاں نواز شریف سے استعفے کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اخلاقی جواز کھو چکے ہیں حکمران رہنے کا. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس کی مذمت کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 ماہ سے قوم سے مذاق ہوتا رہا, سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں.